दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल मैच को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आईपीएल 2020 का आगाज कुछ ही दिनों में होने वाला है। आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी जमकर अभ्यास में जुट गए हैं। 4 बार आईपीएल का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी का जमकर अभ्यास कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें रोहित शर्मा लंबे लंबे छक्का जमाते हुए बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि रोहित ने अभ्यास सत्र के दौरान 95 मीटर लंबा छक्का जमाया जिससे गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। दोस्तों, रोहित के द्वारा छक्का इतना कमाल का था कि गेंद अबू धाबी के स्टेडियम के बाहर चलती बस के छत पर जाकर गिरी। इसे देखकर रोहित और टीम के दूसरे मेंबर खुशी से उछलते हुए नजर आए। मुंबई इंडियंस ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बल्लेबाज छक्के जड़ते हैं, लीजेंड्स स्टेडियम के बाहर पहुंचाते हैं और हिटमैन जड़ते हैं, स्टेडियम के बाहर पहुंचाते हैं और चलती बस पर जड़ते हैं। दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2020 का पहला मैच उन्हीं दो टीमों के बीच हो रहा है जो 2019 के आईपीएल फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ खेली थी। आईपीएल 12वें सीजन के फाइनल में मुंबई ने चेन्नई को आखिरी गेंद पर हराया था। फाइनल में चेन्नई को 1 रन से हार मिली थी। वैसे दोस्तों, चेन्नई ने आईपीएल का खिताब 3 बार जीता है। इस बार आईपीएल की शुरुआत में दोनों टीम एक दूसरे को हराकर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत करना चाहेगी। रोहित ने आईपीएल में अब तक 188 मैच में 4,898 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 36 अर्धशतक शामिल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।